हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका रैट्स की दुनिया में। ओम साई राम। सुबह की दिनचर्या चालू हो चुकी है, सब अपने अपने काम पे जा चुके हैं एंड रैट्स आपके साथ जुड़ चुकी है। तो आई एम श्योर आप मेरे ब्लॉग एंजॉय कर रहे होंगे। जैसे कल आपको बताया, कल के ब्लॉग में आपने देखा होगा कि मैंगो पिकल और ग्रीन चिली पिकल की फिर से डिमांड हुई। ये देखिए, बिल्कुल थोड़ा सा ही बचा, छोटू सा कच्चा आम लेने गए। तो आज सुबह उठकर मैंने सबको ऑफिस भेज कर, सब निपटा कर, मैंने कहा चलिए ये काम कर देते। कल मैंने धोकर हरी मिर्च रख दी थी, बट मैंगो आई वॉज वेरी टायर्ड येस्टरडे, सो अभी रखा है मैंने। तो बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि ये इंस्टेंट है, तो ये अभी सूख जाएगा। और एज़ यू नो ऑलरेडी, आपने अगर नहीं देखा मेरा व्लॉग तो इंस्टेंट आम के अचार वाला व्लॉग जाकर देखिए, उसमें मैंने बताई है पूरी रेसिपी कि कैसे आप ये इंस्टेंट अचार डाल सकते हैं। तो आज मैं वो तो नहीं करने वाली हूँ, बट आपको कल ये अचार का, कल के व्लॉग में दिखाया था आम के अचार का मसाला, जो मैं भी आज फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। तो गाइस, मिर्ची का अचार मैंने डाल दिया क्योंकि मैंने रात में धो के सुखा दी थी, सुबह सिर्फ काटी है। और ये जो मैं नया अचार मसाला लाई हूँ, जो पिछली बार दिखाया था वो नहीं है, ये मुझे वहाँ दिखा तो मैंने ले लिया। तो खाने के, तो आज की टिप आपको बताने वाली हूँ यहीं बैठकर, क्योंकि आज लेजी हो रही हूँ और हाथ देखिए मन करे खा लो यमी मुल्तानी मिट्टी। ये आपके घर में ज़रूर होनी चाहिए गाइस, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट घर का उपाय है। तो मुझे बहुत दिनों से लग रहा था कि मेरी स्किन थोड़ी सी डेड लग रही है, और मेरी स्किन ना थोड़ी सी उभरी है ही नहीं जब से मैं मसूरी और ऋषिकेश ट्रिप कर कर आई हूँ। कुछ ब्लैक लेयर जमी ही हुई है, आई डोंट नो व्हाई। इतना सब कर रही हूँ, थोड़ा सा लेवल आ गया, बट स्टिल मुझे वो उतना फ्रेशनेस नहीं लगा। आपने भी कई व्लॉग्स में नोटिस किया होगा। तो आज मैंने सोचा कि मुल्तानी मिट्टी लगाती हूँ, और मुझे पता है इससे ये परत ज़रूर जाएगी। मेरे पास पीसीज में है, आप पाउडर भी ले सकते हैं, बट मुझे पाउडर से बेटर लगता है ये पीसीज वाला लेना। तो ये 15-20 मिनट ही पानी में डाली थी और ये इसका पेस्ट बन गया है। अब मुझे इतना मन कर रहा है कि मैं इसे खा लूँ। आप इसको बस अप्लाई कर लीजिए अपने फेस पे। मैंने इसमें और कुछ नहीं डाला है गाइस, टैप वाटर में इसको 10-15 मिनट भिगा दिया था, उतने में मैंने मिर्ची का अचार डाल लिया था तो काम हो गया था। तो अच्छे से लगा लूँगी, और आज ये ज़्यादा बन गया, ये ख़राब नहीं होता गाइस। आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी या दूध ऐड कर कर लगा सकते हैं। मैंने सिर्फ इसको पानी में, इसमें और कुछ नहीं मिलाया। वॉश करने के बाद मैं बताऊँगी क्या लगाऊँगी मैं अपने फेस पर, तब तक के लिए बने रही और मैं भी थोड़ा सा रिलैक्स करती हूँ, ड्राई होने दी। इस पैक को लगा कर आपको बोलना नहीं है, नहीं तो क्रैक्स आते हैं उससे आपके फेस पे, रिंकल्स आते हैं। तो इट्स अ मी टाइम, मिलती हूँ। मेरा डल गया आम का अचार। तो इस बार हम आम कटवा के ही लाए थे वहाँ से, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा था, और बिकॉज ऑफ सर्वाइकल मैं ज़्यादा कटिंग वटिंग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी की कटिंग नहीं करती हूँ, तो इसीलिए वहाँ से कटवा के ला। और आज मैंने, जी हाँ गाइस, मैंने फेस वॉश कर लिया, एकदम अच्छे से ड्राई हो गया था, और उसके साथ मैंने आम का पिकल भी डाल लिया। और जब जब आपको लगे कि आपका फेस डेड लग रहा है, जैसे मुझे लग रहा था, तो आप मुल्तानी मिट्टी का पैक लगा सकते हैं, और मुझे बहुत रिफ्रेश लग रहा है फेस। बहुत, जब मैंने वो पैक लगाया था मुझे बहुत ठंडा ठंडा लग रहा था, तो जी हाँ बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग लग रहा है फेस, और जैसे वो रेडी होता है। बट मैंने आज क्या सोचा है कि मैं नहाने के टाइम उस पैक को पूरे बॉडी में लगा कर आई विल फिनिश इट ऑफ, क्योंकि मेरी बॉडी में भी हल्का हल्का टैन है अभी भी। तो आई विल मेक श्योर कि मैं उसको आज बॉडी में भी लगा कर आई विल फिनिश दैट पैक। तो आई एम श्योर आपको ये टिप अच्छी लगी होगी। उसके बाद नहाने जाने से पहले आप थोड़ा सा रोज़ वाटर, जो भी आपको पसंद है, आप लगा सकते हैं। 5 मिनट बाद आपका फेस और भी ग्लो करेगा। तो मैं तो नहाने जा रही हूँ, और उसके बाद आपको मिलती हूँ।
पूरा दिन मेरे साथ रहिए, है ना। तो बने रहिए मैंने। तो जी हाँ गाइस, रात सो गई है रेडी और मैंने पूरी बॉडी में लगा लिया मुल्तानी मिट्टी मुल्तानी मिट्टी मुल्तानी मिट्टी एंड बहुत अच्छा लगा, बहुत सॉफ्टी सॉफ्टी स्किन हो गई है और काफ़ी साफ हाथ रख रहे हैं, काफ़ी टैन निकल गया है और फेस का रिएक्शन तो आप देख सकते हैं, काफ़ी ग्लो आया। ऑल दो मैंने थोड़ा सा मेकअप अप्लाई किया हुआ है, इट्स नॉट माई नेचुरल फेस, मीन्स दिस इज विद लिटिल 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 मेकअप ओनली, मेरी जान मेरा मैक का कॉम्पैक्ट मैंने अप्लाई किया है और सेटाफिल क्रीम और इनिसफ्री का सिर्फ सिर्फ ये सब किया है और लिपस्टिक लगाई है। मैक का शेड है, बहुत ही यमी शेड है, मन किया है जिसको ट्राई करने का, बहुत टाइम से कोने में पड़ी हुई थी तो आज मुझे नज़र आ गई तो मुझे लगा आज मेरे आउटफिट से मैच भी हो गया, मेरा मन किया इसको लगाने का। आपको दिखाती हूँ, ये मिनी लिपस्टिक्स होती हैं मैक की, तो बहुत ही प्यारा शेड है। तो ये मैंने पूरा एक बॉक्स लिया था ब्यूटी फ्री से और उसमें काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट शेड्स थे जिनमें से एक ये भी है। मन करता तो अभी लाडो देखेगी तो वो कहेगी पुरानी वाली मम्मा आगे बस एक बड़ा सा बिंदा लगाने की दे रही और मंगलसूत्र। सो ये होता था, कभी शेयर करूँगी आपके साथ अपनी पुरानी पिक्चर्स। हाय मनी, हेलो, यू लुक टायर्ड, व्हाट डिड यू से? आज क्या बात है, बड़ी सच दूध की बैठी है क्या? क्या बोला आपने? मैंने कहा इतना सच दूध की क्यों बैठी है? आपको पुरानी वाली रत्ती नहीं नजर आया? हाँ वही, मतलब इतनी पू के मतलब पार्वती क्यों बनी हुई है? पार्वती तो नहीं बनी हुई, पार्वती पू पार्वती मिक्स, पू पार्वती मिक्स, बट आपको कुछ पुरानी वाली रत्ती दिख रही है? गैस करो, बाल काले किए हैं? काले कहाँ से हैं, वो लाइट में ब्लैक धूप में रेड दिखता है। और बताओ, वो इतना नहीं बता सकता। बताओ ना पुरानी वाली रत्ती क्या लगे आपको? यही ऐसे बाल बांध के बस ये बांध के आ गई और क्या है, और क्या है, मुंह पे लिपस्टिक लगा के बैठ गई है। यार यार यू गॉट इट, ऐसी लिपस्टिक में कितनी लगाती थी ना, है ना, तुम डार्क डार्क लिपस्टिक मुझे ना। तो बड़े दिन से गाइस आपके साथ कुछ गुनगुनाया नहीं है, तो बस इससे ज़्यादा देर मैं कोई भी एक्सेसरीज नहीं पहन सकती हूँ। तो मुझे हमेशा से लगता है ओल्ड इज़ गोल्ड, पुराने गानों की बात ही कुछ और है, तो थोड़ा सा गुनगुनाऊंगी, ठीक है, नहीं तो फिर से कॉपीराइट्स आ जाते हैं और हम भी गा रहे हैं उसमें कॉपीराइट आ रहे हैं। तो आज ये गाना मैंने आज इंस्टा पे भी डाला, तो मुझे पुराने गाने काफ़ी पता हैं, पूरे पूरे भी आते हैं, कभी कभी लिरिक्स इधर उधर कर देती हूँ कॉन्फिडेंटली, तो थोड़ा सा गुनगुनाती हूँ। गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम, बस इतना ही। क्या करूँगा, कॉपीराइट आ जाते हैं कभी। हाँ ये कुछ आज मन क्या है, सुबह से मैं कुछ 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 गुनगुनवा रही हूँ, तो मनीष जी मुझे देख रहा है, ऐसे ही देखते हैं मुझे, मिलती गाइस। बैठ गई हूँ देखने कॉफी विद करण मेरा, मैं हर सीजन इसका देखती हूँ, मुझे पसंद है। तो बैठ गई हूँ टीवी के आगे, मनीष जी आ गए तो हम दोनों देखेंगे, कभी अपना बाद में कैचअप करता रहता है। तो शुरू हो और गाइस इज आवर डिनर टाइम और हम कर रहे हैं डिनर, और डिनर में क्या बना है गावा साहब? उपमा। और ये बना है हमारा यम्मी उपमा, गाइस बिलीव मी सिल्वी इतना अच्छा उपमा बनाती है ना। और मनीष जी आपको ये सेक्शन देखकर कैसा लग रहा है? कौन सा सेक्शन? अचार आपने बनाया पता है मुझे, तो आप खुश हैं? हाँ मैं खुश हूँ। आप अभी टेस्ट करेंगे? हाँ खा लेंगे हम साथ में। ठीक है, आई थिंक इसको मैं रख दूँ, बहुत ये पिघल रहा है अभी से। नहीं हाँ चलो रख दो, घर के मेहमान आ चुके हैं। ये कपड़े उतारने सलमान खान, नोबडी सलमान खान, कोई सलमान खान जैसे नहीं हो सकता। चल नहा लो बेटा,
और हाय श्रेया भी टायर्ड है, फेस वॉश कर लिया। और श्रेया के लिए बना है ये यम्मी, और तेले पूरा बनाया है इसके लिए मैंने अलग डाल के रखा है कि ये ले भी जाएगी। मुझे तो ये बहुत पसंद है, मैं ऐसे रॉ भी खा लेती हूँ। नहीं मिल रहा वापस रखने। बट यू लुक टायर्ड श्रेया। यस यू आर टायर्ड। चलो फ्रेशन अप हो जाओ फिर डिनर करते हैं। मम्मी बटर में पाव सेकना, ठीक है? बहुत तेज भूख लग रही है अब। हां हां वो बैठा है, श्रेया आलू के पराठे एंजॉय कर रही है। मेरी नई और हम हर्षिका के व्लॉग में मेरी नई एक्सेसरी देखो। हां यू आर लुकिंग प्रिटी। मेहंदी का व्लॉग है श्रेया, ऑसम है, मैंने अभी देखा। तो मनीष जी आइसक्रीम एंजॉय कर चुके हैं, तबीर को तो कपड़े ना पहनने की आदत हो गई है। और मैं आज एक नए तरीके से आइसक्रीम खाने वाली हूँ, आपको दिखाती हूँ। डाली है थोड़ी सी कोक और अब हम इसमें डालेंगे, प्लीज डाल दो मेरे लिए। चाकू भी है। और हम इसमें डालेंगे वनीला आइसक्रीम। सो कोक एंड आइसक्रीम बहुत यम्मी लगती है गाइस, आप ट्राई करना। मैंने शादियों में बहुत खाई है तो बट मुझे ऐसे ही खानी थी, मुझे बहुत पसंद है ऐसा आइसक्रीम और कोक मिलकर मिलाकर खाना। चीयर्स कोक एंड आइसक्रीम। मैंने लाडो का शर्ट पहना है, डोंट थिंक कि मुझे लाडो के कपड़े फिट होते हैं, मैं ऐसी पतली नहीं हूँ, बट ये ओवर साइज थी उसकी शर्ट मैंने पहन ली लाडो। हाँ इतनी ओवर साइज नहीं थी, ठीक है। हाँ ऐसे जी होता रहता मम्मा का। तो लाडो एंजॉय। ये देखो मोटी को, नो बॉडी शेपिंग वो तो हो। श्रेया खाते खाते सोच में पड़ जाती है कि मैं खाऊं आपके नहीं खाऊं। वो खाती, ये मैं कहने ही वाली थी कि वो खाते खाते थक जाती है। आप पराठा वेट कर रहे हैं मैं इसके मुंह में जाऊं, पर वो सोचिए मैं खाऊं कि नहीं खाऊं। शी इज टायर्ड। और आजकल के बच्चे खाने से पहले कोक पी लेते तो भूख क्या लगेगी। अपनी डालिए और लैला। जब कोई सिर्फ अपने जब खुद व्लॉग में हो तो देखें। वाह इज वाचिंग माय व्लॉग। बस घर आके इसका यही है इसका घर आके यही है इसका घर आके यही है यही है यही है।